ने देखा कि मलिक अहमद खान साहब ने कहा था कि मैं वजीर आजम की तरफ से नुमाइंदा बनकर आया हूं, और इससे बड़ी गारंटी नहीं जो वजीर आजम की तरफ से नुमाइंदा बनकर आया था। तो हमने, क्योंकि हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन लोग हैं, मुलाजमीन हैं, हम कोई सियासत ना करना चाहते हैं, ना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है अपने मुलाजमीन का दिफा, जो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक जो वहां पर हमारे साथ बातचीत हुई थी, कल भी हमने शाम को दोस्तों को बताया था कि बड़ी अहम मीटिंग जो है मलिक अहमद खान साहब के साथ हमारी हुई, उन्होंने वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब और बाकी अहम लोगों के साथ बातचीत करके हमें मुतमिन किया था, और हमने रात को बयान जारी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बयान की जो ताईद है वो सुबह वजीर आजम पाकिस्तान पूरे टीवी चैनल पर खुद वजीर आजम के बयान से साबित हो गई कि जो रात को हमने कहा था वो सुबह सच साबित हो गया। अब वजीर आजम से बड़ा कोई गारंटर नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता वजीर आजम की गारंटी के बावजूद भी कि जो हमारे 3-4 मुतालबे हैं रनिंग बेसक पर 1 से 16 तक 35% और 16 से अबव 30% और 17.5% पेंशन और जो लीव एंड कैशमेंट का है, उस बारे में गवर्नमेंट ने हमसे ब्रीफिंग ले चुके हैं, उस पर अभी तक वो कायम है। दोस्त मयूसी का शिकार ना हो एक नोटिफिकेशन देकर, हम नोटिफिकेशनों से अबव जा रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे मसाइल और भी हल करवाने हैं, और मैं अपने मुलाजमीन को कहूँगा कि आप मुतमिन हैं, अगर कहीं जगह पर थोड़ी सी भी झोल मुझे या मेरी क्यादत को महसूस हुई तो हम एक लम्हा भी जाय किए बगैर पब्लिक को बताएंगे। और फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई हमसे तमाशा लगाने की या कोई इस किस्म की कोशिश हुई तो हम सबसे पहले अपनी आवाम को बताएंगे, और इंशाल्लाह फिर उसका रद्द अमल भी 25-30 लोगों का नहीं होगा, लाखों का होगा। 10 लाख मुलाजम है, 5 लाख पेंशनर है, इंशाल्लाह जिलों के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी लाखों का मजमा होगा, मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह। मेरे साथ मुलाजमीन रास्ते में, तो जो ही मुझे कोई झोल इधर उधर से नजर आई तो फौरी तौर पर पब्लिक को बताऊंगा और आपको सारी बात आगाह करूंगा। अभी तक मामलात सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन की तरफ हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपकी क्यादत ऐसे नहीं वक्त जाया कर रही यहां बैठकर, ऐसे नहीं, हम गरीब लोग हैं, होटलों में हम नहीं रह सकते, ऐसे वक्त नहीं जाया कर रहे, सिर्फ आपकी वजह से, आपके मामलात की वजह से स्टैंड लेकर बैठे हैं। इंशाल्लाह उस वक्त तक कोई पंजाब का हमारा मरकजी लीडर घर नहीं जाएगा जब तक आपको आपका हक नहीं दिला देगा। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है, वो वक्त करीब है जब कामयाबी आपके कदम चूमेंगी, नहीं तो फौरी तौर पर मैं आपको हर बात शेयर करूंगा। आप इधर उधर की बातों पर कान नहीं धरना, आपकी क्यादत हर बात आपसे शेयर कर रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी थोड़े वक्त पर है, थोड़े देर है, इंशाल्लाह आपको मिलने वाली है, मिलेगी और आपके कदम चूमेंगी। मेहरबानी, शुक्रिया।